हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं सिविल इंजीनियर भी हूं, इसलिए मैंने यहां पे बियर हाउस कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ये मेरी साइट आप देख सकते हैं। अभी यहां पे फुटिंग वर्क, फाउंडेशन वर्क जो है प्रोग्रेस में है। यहां इसके बाद प्लिंथ बीम पर जैसे कॉलम आए, प्लिंथ बीम तक कॉलम आएगा, उसके बाद इसमें पीवी स्ट्रक्चर यानी स्टील स्ट्रक्चर जो है खड़ा होगा। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें पूरी साइड घुमाता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, ये धूप लगती है जिसकी वजह से गोरा आदमी भी काला पड़ जाता है, तो मैं तो ऐसे ही काला हूँ। देखिए, मैंने ये पानी स्टोरेज के लिए यहाँ पे टैंक बनाया हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो लाइट भी चली जाती है। पानी की पाइप तो हालांकि लंबी है, अभी हमने दो ड्रम खरीद के रखा हूँ मैं, और आपको आगे दिखाते हैं। तो ये बियर हाउस है, धान या गेहूं का है जो स्टोरेज करते हैं, उसके लिए यहाँ पे स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज जो भी है। यहाँ पे सीमेंट ढकी हुई है। ये फुटिंग की मेस है, जाली या चटाई बोलते हैं। ये सी थ्री कालम की मेस है। ये आप सी टू की देख रहे हैं, सी टू कालम की। उधर वो सी वन कालम है, और ये सी थ्री टाइप का जो कालम है उसकी मेस है। यहाँ पे स्टील वर्क कटिंग वगैरह ये सब काम चल रहा है। ये गाड़ी पार्किंग के लिए बनाया था, ये दोस्तों मैंने अपने रहने के लिए ये झुग्गी बनाई है, झोपड़ी या मड़ई बोलते हैं। आपको अंदर से दिखाते हैं मेरी झुग्गी कैसी दिखती है। ये देखिए, ये अभी एक बार उड़ गई थी पूरी, हवा बहुत तेज आती है आंधी बरसात के कारण। यहीं नीचे अभी विश्राम करता हूँ, सोता हूँ रात में। ये पूरे जो हैं सामान जो लगते हैं सिविल के काम में, पूरे सामान रखे हुए हैं। ये देखिए पूरा, दोस्तों ये धूप में यहाँ बहुत गर्मी लगती है। फिर उधर से ये सामने आप देख रहे हैं, उस साइड का खोल देता हूँ तो हवा पास हो जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो गर्मी कम लगती है। यही अभी काम स्टार्ट किया हूँ, धीरे धीरे अभी मेरे पास पूरा सामान आ जाएगा। ये देखिए, सेटरिंग की प्लेटें भी सब मैंने अरेंज किया हूँ। ये बल्लियाँ हैं, ये हमारे लेबर के रहने के लिए इधर मैंने बनवाया हूँ। चल रहा है रिंग बनाने के लिए, जो सरिया काटा हूँ इससे कालम के रिंग बनेंगे, और ये कालम के सरिये हैं। 350-400 देना पड़ता है इसमें। ये मेरी बाइक है, ये कालम अभी बन रहा है, ये बन चुका है। ये सी थ्री टाइप का कालम है, डमी कालम इसको बोलते हैं। यहाँ आज आंधी और बरसात के कारण आप देख सकते हैं इतनी
आधी आई कि सीमेंट ढका था, ये भी थोड़ी पन्नी उड़ गई, पूरी झुग्गी उड़ गई मेरी, फिर से बनाना पड़ेगा। काम बंद है, अभी काम चल रहा था इसमें, इतने में आंधी और बरसात एक साथ आ गई। पूरी मेरी झोपड़ी जो है रहने के लिए बनाया था, पूरी उड़ गई। ये देख सकते हैं पूरे इसमें पानी पानी आ गया है, पूरा सब गीला हो गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इतनी भीषण आंधी और बरसात आई कि सब उड़ गया है, खाली सामान भी बचा हुआ है वो भी गीला हो गया है। अब इसको दोबारा रिनोवेट करेंगे। देखिए अभी सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए आया था, अभी धूप आ गई है इधर, अभी बरसात का मौसम नहीं, फिर भी बरसात से ज्यादा यहाँ पे पानी बरस रहा है। ये भी इधर गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग बनाया था, छांव ये देख सकते हैं सब उड़ गया है, कुर्सी वगैरह सब उड़ गई। ये पूरा सामान सब गीला हो गया है, टेम्पररी बनाया तो सब बैग वगैरह सब गीला हो गया पूरा। ये सब उठा के सब एक साइड सब उधर रख दो, फिर अच्छे से इसको सरिया लगा के पूरा अच्छे से टाइट करो, पूरा सरिया लगा लो और बांस वगैरह अच्छे से बनाओ बढ़िया एकदम। ये देखिए इतने प्रकृति का इतना चमत्कार, यहाँ पे अभी धूप इतनी तेज आ रही है, अभी कुछ क्षण के लिए इतनी तेज आंधी आएगी। यहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे बेयर हाउस निर्माण कर रहा हूँ। कालम पोजीशनिंग किया था, सूता बांध के इसको गुनिया में किया था, फिर से ये डिस्टर्ब हो गए होंगे। ये देखिए इसी में कालम खड़ा कर रहा था, इसी समय आंधी आ गई। यहाँ पे मेरी मिक्सर मशीन खड़ी है, अभी धूप आ गई है, ये देख सकते हैं इतनी, फिर भी 10-15 मिनट की आंधी तूफान में सब उड़ गया। ये साइड की ड्राइंग के ड्राइंग है और ये ऐसे हाल हो गए हैं, देख सकते हैं आप, सब भीग गया पूरा। दूसरी प्रिंट निकालना पड़ेगा मेरे को।
ये पूरा सामान सब बाहर निकाल दो पूरा। ये मेरी बाइक है जो आज ही मैंने ली है। ये देख सकते हैं कुर्सी वगैरह सब उड़ गई। अब इधर से ये दूसरी पन्नी इधर से उठवा के लगवाऊंगा। वेयर हाउस में तीन टाइप के कॉलम हैं। ये पहला आप कॉलम देख रहे हैं, ये C1 कॉलम है जो 600x600 mm या 2 फुट x2 फुट का है। ये दूसरी टाइप का कॉलम है, ये 600x400 mm यानी 2 फुट x1 फुट 4 इंच 16 इंच का है। ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है, 2 फुट x1 फुट का है, 600x300 का है। यहाँ बीच में आएंगे, ये दो कॉलम यहाँ पे बीच में है, लिंथ बीम तक जाएंगे और वहीं पे ये कॉलम ख़त्म हो जाएंगे। बाकी ये कॉलम जो है लिंथ बीम के लिंथ बीम पर जो है इस पे PV स्ट्रक्चर खड़ा होगा। जो ग्राउंड लेवल है आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग जो होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ नेचुरल सोइल 1.5 मीटर होना चाहिए फुटिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं 1.5 मीटर से ज़्यादा ही है। ये हमने यहाँ पे कॉलम खड़ा किया है और ऐसे ही आप देखेंगे पूरे ये पहले वाले रो पे 23-22 कॉलम आ रहे हैं। पहले वेयर हाउस में ये पहले वाले वेयर हाउस के कॉलम कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो आप सामने कंक्रीट के स्टैक देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी फ्लोरिंग होगी, फ्लोरिंग कंक्रीट की फ्लोरिंग होगी, उसके ऊपर यहाँ कॉलम में PV स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, सेट लग जाएगा, इससे ये वेयर हाउस कंप्लीट हो जाएगा। खुद का काम लिया हूँ और मिक्सर मशीन भी आप देख सकते हैं, ये मेरी ही है और ये आप देख सकते हैं इधर पूरे कॉलम यहाँ से पूरे लाइन पे आ रहे हैं। यहाँ गुनिया लेना पड़ता है, गुनिया ये समकोण निकालने के लिए, राइट एंगल निकालने के लिए, ताकि कॉलम जो है एक सीधाई में रहे, एक सीध में रहे। अभी इसमें ये देखिए ये गड्ढा खोदा गया है, ये अभी इसमें PCC नहीं हुई है, अभी इसमें PCC करूँगा, इसलिए मैंने इसमें पानी से क्यूरिंग कर दिया ताकि PCC अच्छे से हो जाए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट उसके ऊपर कॉलम खड़ा होगा, मार्किंग करके उसके बाद कंक्रीटिंग होगी फुटिंग की।
साइड हो गया है, 25 कमार के नीचे। थोड़ा सा ये अंदर का वीडियो थोड़ा सा ऐसे हो गया किनारे से। अरे आपने कट कर दिया, आयो ही नहीं ऐसे पकड़। आप चढ़ के आप लगा लीजिए और ऐसे पकड़े रहो ऐसे। राम भैया, सियाराम।